मानू प्लीज मुझे माफ करना, मैं चाहती थी कि तुम मुझे सब कंपनी में ही बता दो। मेरे होने वाले बच्चे के बाप की बीवी? हाँ, ये सुनने में बहुत गंदा लगता है जब तुम इस तरीके से बोल रही हो। मुझे पता नहीं कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी, काश मैंने अमीर को रोका होता। निहान, अमीर को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ अमीर को छोड़कर। अमीर ने मेरा दिल तोड़ा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर वो तुमसे तो प्यार करता था ना। अमीर इसी तरह का इंसान है। एनीवे, क्या हम असली मुद्दे की बात करें? असली बात से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी? तुमने कुछ खाया या नहीं? अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने क्या किया है? मैंने तो बस बाहर से कुछ ऑर्डर ही किया है और कुछ नहीं। बस तुम अपनी दवाई लेना मत भूलना। भानु, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहती, पर नहीं, असल में तुम इसके लिए यहाँ आई हो। अपना टाइम बर्बाद मत करो, ये लो। मुझे नहीं पता ये कौन छोड़कर गया, वहां पर कोई नहीं था, बस यही था, और इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ तुम्हारे बच्चे का हत्यारा नहीं है। उसी दिन जिस दिन मैंने अबॉर्शन करवाया, शायद इसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। मतलब उसने तुमसे भी ऐसा कुछ करवाया होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें यह करने के लिए मजबूर क्यों किया? मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी बानू। उस घर में क्या हुआ था निहान? तो इसीलिए तो मैं यहां पर आई हूं, क्योंकि मैं जान सकूं। ये घर अमीर का फार्म हाउस है, लेकिन मुझे ये नोट का कारण समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मुझे पता है निहान, मुझे पता है कि ओजान हत्यारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? छुपाओ मत, मैंने सब सुन लिया था जब ओजान और अमीर बात कर रहे थे। ओजान ने किसी को मारा है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है, मुझे गलतफहमी हुई है, लेकिन जिसने ये भेजा है, क्या उसने गलत देखा है? अगर इसका कारण तुम्हारी सिचुएशन के बारे में नहीं था, या तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं है, तो फिर शायद ये ओजान के बारे में हो। मतलब मेरे अलावा भी और कोई जानता है, और उसे लगता है कि अमीर हत्यारा है। उसे लगता है अमीर हत्यारा है। निहान कहां पर है? जब निहान आएगी तब तुम क्या कहोगी उससे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जानना है कि उसे पता चला या नहीं। फिक्र मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा।
वेलकम मिस निहान। मॉम और बाकी लोग कहाँ हैं? वो दूसरे रूम में हैं। कोई हमें परेशान ना करे। मुझे आश्चर्य होगा अगर वो खुद ढूंढ ले। वेलकम निहान। क्या किसी को भी उस रात के बारे में पता है जब ओजान हत्यारा बना? हम जानते हैं। क्या निहान, यहां बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। आपको क्या पता है? एमिर को उस रात के बाद कई सालों से फुटेज भेजकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। थैंक यू सो मच। ऑन्टेर, प्लीज तुम कुछ करो। इसे इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पहले मेरे पास आओ। चलो अब बताओ मुझे क्या हुआ है। आज किसी ने फोटो भेजा मुझे। ये शायद वही लड़का है जो सालों से अमीर को धमका रहा है। क्या वो तुम तक पहुंच गया है? Well, indirectly. पापा, ये लड़की कौन है? मुझे लगता है शायद ये वही लड़की है जो मर गई थी उस दिन। मैं नहीं जानता, लेकिन ये हो भी सकता है। मेरा मतलब कि ये उस रात की फुटेज तो नहीं है, पर मुझे याद नहीं है। हम सब वहां साथ में गए थे और फिर एमिर ने कहा कि उसे जाने देना चाहिए क्योंकि उसे कोई परेशान कर रहा था। लेकिन उसने उसे उस वक्त कैसे जाने नहीं दिया। यहां पर वक्त तो देखो, ये हमें फोन करने के बाद का वक्त है। तो वो झूठ बोल रहा है। नहीं कह सकता, मुझे तो ताज्जुब है। और यहां क्या है? एक एनवेलप। पैसे। उसे चुप कराने के लिए पैसे दिए गए। क्या चल रहा है पापा? लगता है उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो हमें नहीं पता है। ये हो सकता है, मैं इसके बारे में पता लगाता हूं। मेरा मतलब है हम इसके बारे में पता लगाते हैं। लेकिन बेटा शांत रहना, हम सच का पता लगा कर रहे हैं।